मौसी पहली रात जिद करके देवर के कमरे में सो गई। मौसी को बड़ा समझाया मगर वह ना मानी और दूध का गिलास गर्म करके पिया और सो गई। मैं भी सुबह से काम करके थकी हुई थी। देवर को बोला, मैं सोने जा रही हूँ और तुम्हें जिधर जगह मिले तुम सो जाना। सुबह जब देवर के कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर की शादी हुई तो वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत और पूरा दिन उसने बड़ी बेताबी के साथ गुजारा था। मगर उस वक्त वह गुस्से में आ गया जब बीवी के साथ आई मौसी ने कमरे से बाहर जाने से मना कर दिया। घर में थोड़े बहुत मेहमान मौजूद थे इसलिए देवर ने गुस्सा थूक दिया और मेरे कमरे में आके कहने लगा कि ये गुलाब के साथ कांटा क्यों लेकर आई हो। देवर की बात सुनकर मैंने उसे बड़ी नासमझी से देखा क्योंकि मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि कौन से गुलाब और कैसा कांटा, ये सब तुम क्या कह रहे हो। मेरी बात सुनकर देवर फिर से गुस्सा गया और कहने लगा कि मेरी बीवी के साथ जो एक औरत आई है वह कहती है कि मैं अपने भांजी के साथ बेड पर ही सोऊंगी। देवर की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। कहीं बुढ़िया का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, इस बुढ़ापे में कहीं जूते खाने वाली बात क्यों कर रही है। भला उसने अपनी शादी की रात किसी और को अपने कमरे में सोने दिया था जो तुमसे ये बात कह रही है। देवर की मासूम सी शक्ल देखकर मुझे उस औरत पे बड़ा ही गुस्सा आया था और मैंने देवर को हाथ से पकड़ा और सीधा उसके कमरे में पहुँच गई। मौसी, मेरा देवर क्या कह रहा है। मैंने बगैर किसी बात के मौसी से पूछ लिया क्योंकि मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। और वह भोली बन के कहने लगी कि मैंने देवर को क्या कह दिया, मुझे मौसी के इस भोलेपन पे बहुत गुस्सा आया था। इतनी उम्र हो गई है मगर इस बुढ़िया का बचपना अभी तक नहीं गया और मुझे एहसास हुआ कि घर में मेहमान थे इसलिए मैंने नरमी के साथ कहा कि मौसी, मेरा देवर कह रहा है कि आप आज की रात बेड पे ही सोऊंगी। मेरी बात सुनकर मौसी कहने लगी कि हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही कहा है। मौसी की बात सुनकर मैंने दुल्हन की तरफ देखा जो परेशान हो गई थी और उधर मेरे देवर को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि रात को 2 बजने वाले थे और घर में सब सोने की तैयारी करने वाले थे और हमने मौसी के लिए एक कमरा भी साफ कर दिया था। लेकिन हम तीनों मौसी की वजह से जगे हुए थे और मैंने बात को संभाला और मैंने मौसी से कहा कि क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई थी क्या। ये सुनकर मौसी कहने लगी कि हाँ हुई थी, बड़े ही धूमधाम से हुई थी। उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और मैंने अपनी हंसी दबा ली क्योंकि देवर को और गुस्सा आ सकता था। इसलिए मैंने मौसी से पूछा कि क्या तुम भी किसी को साथ ले गई थी और क्या वह भी शादी की पहली रात तुम्हारे साथ ही सोई थी। मेरी बात पे मौसी को गुस्सा आ गया और वह कहने लगी कि तौबा, कैसी बेशर्मी की बातें कर रही हो। अरे मेरे कमरे में कोई घुस के तो देखता, मैं उसका मुंह तोड़ देती। मैं मौसी की दिलेरी पे हक्का बक्का रह गई थी और देवर का पारा और ऊपर होने लगा था। देवर का गुस्सा देखकर उसकी पत्नी भी रोने लगी तो मैंने उससे कहा कि अरे तुम तो चुप करो, ये मजाक कर रहा है। फिर मैंने मौसी की तरफ देखा और कहा कि मौसी, उन दिनों की शादी होती तो क्या तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो, तुम इन दोनों की शादी हुई है अभी अभी। मेरी बात सुनकर मौसी गुस्से से कहने लगी कि मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही हूँ, दरअसल अनीता मेरी बेटी नहीं और मैंने उसे जन्म नहीं दिया। लेकिन जब इसकी माँ मरी थी तो इसकी माँ ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना और मैंने अच्छा रिश्ता देकर उसकी शादी तो कर दी। लेकिन ये कम उम्र की है इसलिए अपने देवर से कहो कि 1 साल तक उसके पास ना आए और अगर उसे कमरे में ही सोने का शौक है तो वह सोफे पर जाकर सोए। ये सुनने के बाद मैंने उसकी बीबी की तरफ देखा और मैंने पूछा कि तुम कितने साल की हो, तो वह कहने लगी कि मैं 18 साल की हूँ। ये सुनकर मौसी कहने लगी कि नहीं, अभी ये 16 साल की है, मैंने इसके डॉक्यूमेंट में उम्र ज़्यादा लिखवाई थी। ये सुनकर मेरे देवर ने सर पकड़ लिया जबकि मैंने अपने देवर के बीबी से कहा कि तुम ही अपनी मौसी को समझाओ,
तब वह कहने लगी कि माँ के मरने के बाद मौसी ने ही मुझे पाला है, इसलिए जो भी यह कहती है मैं उसे मान लेती हूँ। बीवी की इस बात पर देवर को गुस्सा आ गया था। मैं जानती थी कि मेरा देवर गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता था और किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता था। उधर मैंने ये भी देख लिया था कि मेरी मौसी भी देवर से कम नहीं थी। वह भी जिद पे अड़ गई थी और उसे समझाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने देवर का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आई। वह गुस्से से कहने लगा कि भाभी मुझे मेरे कमरे में जाना है, मैं उसे अपने कमरे से कैसे निकालूं। मैं जानती थी कि मेरे देवर को दुल्हन के पास जाने की बहुत जल्दी थी, मगर मैं ये भी देख चुकी थी कि मौसी इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली थी। इसीलिए मैंने देवर से कहा कि तुम जानते हो घर में मेहमान है, इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करो, तुम मेरे कमरे में आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। और मैं ये कहकर किचन में आ गई और फिर से वह दूध निकाला जो मेरा पति अपने भाई के लिए लाया था। दरअसल मेरा पति दूसरे शहर में नौकरी करता था और जाते जाते वह कह कर गया कि ये दूध नहीं ताकत का खजाना है और इसे हर रात मेरे भाई को गर्म करके पिला देना। और मैंने भी अपनी पति का बात मानते हुए वही दूध गर्म किया और अपने देवर को ले जा कर के पिला दिया और कहा कि ये तुम्हारा भाई खास दूसरे शहर से लाया है। तब देवर कहने लगा कि अरे भाभी उस दूध में ऐसी क्या खास बात है, तो मैं उसके सामने ये बात कहने से शर्माई तो उसके कानों में बता दिया कि इस दूध में ऐसी क्या बात है। ये सुनकर देवर हंसने लगा और वह मौसी से कमरे से कब निकलेगी, तभी तो ताकत आजमाने का वक्त आएगा। मैंने देखा कि देवर को फिर से गुस्सा आने लगा, इसलिए मैंने उससे कहा कि आज की रात तू मौसी को वहीं सोने दो, कल वह अपने घर चली जाएगी, लेकिन भाभी सारे घर में मेहमान है, मैं कहाँ सोऊंगा। ये सुनकर मैंने फौरन उसे कह दिया कि तुम आज की रात मेरे कमरे में सो जाओ। देवर ने उस रात मेरे कमरे में गुजारी और सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ चला गया। शादी ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान जाने लगे थे। अब घर में सिर्फ मौसी ही रह गई थी। मैं दुल्हन के कमरे में आई तो मैंने मौसी से पूछा कि कमरे में कोई और मर्द नहीं है, देवर आएगी तो मैं कह दूंगी कि वह आपको छोड़ आए। तो ये बात सुनकर मौसी गुस्से में हो गई और कहने लगी अरे बेटा रात को मैंने तुमको समझाया था ना कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मैं अपनी बेटी के पास ही रहूँगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल किया कि मैं अपना सर दीवार पे मार दूँ। देवर को कल तो समझा लिया था लेकिन आज क्या करूँगी। और यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं थे, वरना वही इस मसले को हल करते। पति भी शहर से बाहर चले गए थे और उसे भी बात बात में परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर रात होते ही देवर घर खुशी खुशी आया और मैं किचन में थी तो देवर पास आया और कहने लगा भाभी आज किचन से बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। और वह मेरे करीब आकर खुशबू सूंघने लगा, उस खुशबू वाकई लाजवाब आ रही थी। मैंने देवर से कहा कि अरे दूर हटो, पास से चेहरा खराब हो जाएगा, और मैंने उसे धक्का दिया तो वह हंसने लगा। वह ऐसा ही था, जब मूड अच्छा होता तो उस ऐसा ही लगता कि वह कभी गुस्सा करता ही नहीं था, लेकिन जब वह गुस्सा होता तो वह किसी को भी नहीं छोड़ता था। देवर भारी भरकम था और मैं उसको बार बार पीछे की तरफ ढकेल रही थी। एक बार नाई के साथ गली में लड़कों से लड़ते हुए भी देखा था और देवर ने अब लाठी से मार मार कर उन सबको भगा दिया था, इसीलिए मैं उन्हें ठंडा करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मौसी की वजह से कोई तमाशा ना ये कर दे। आज मैंने तुम्हारे मनपसंद खाना बनाया है और शुक्रिया भाभी कहकर वह खुश हो गया और कहने लगा कि भाभी तुम कितनी अच्छी हो, आज मुझे बहुत ही जोड़ों की भूख लगी थी। और जब मैंने उसकी खुशी देखी तो कह बैठी कि मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ, तो वह कहने लगा कि नहीं आज मैं खाना तो अपनी पत्नी के साथ ही खाऊँगा और आज मुझको वह दूध पिलाने के बाद मेरी पत्नी के पास मुझे भेज देना, आज मुझको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी। ये कहकर वह बाहर चला गया। मैंने कहा अरे रुको तो सही, लेकिन वह कोई भी बात नहीं सुनी।
मैं जानती थी कि अब क्या होने वाला था। मैंने कितनी मोहब्बत और मेहनत से खाना बनाया था। मैंने सोचा कि देवर आएगा तो उसे किचन में ही खाना खिला दूंगी, क्योंकि वह सुबह से भूखा था। और खाना खाने के बाद मैं उसे बताऊंगी कि मौसी आज की रात भी कहीं नहीं जा रही। लेकिन वह इतना खुश था कि मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और मैं सर पकड़ के बैठ गई थी। तभी मुझे देवर की आवाज़ सुनाई दी, भाभी भाभी इधर आओ, देवर मुझे पुकार रहा था। मैं बाहर गई तो देखा देवर और मौसी फिर से आमने सामने थे और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मुझे देखते ही देवर कहने लगा, भाभी मुझे अपनी बीवी की मौसी को रहने से कोई एतराज़ नहीं है, ये चाहे तो सारी ज़िंदगी यहाँ रह सकती है, हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं है। मगर उसने कह दिया कि ये अलग कमरे में सोए और हम दोनों पति पत्नी को अकेले कमरे में छोड़ दे। मैंने देवर की बात सुनकर मौसी से कहा कि देखो मौसी, बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो, आप कब तक बेटी के साथ चिपकी रहोगी, किसी न किसी दिन तो आपको उसको अकेला छोड़ना है। मैंने मौसी को समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं जानती थी कि देवर बहुत प्यार से उसे कह रहा था, लेकिन जब उसका मूड खराब हुआ तो वह सारा तमीज़ भूल जाएगा। लेकिन मौसी ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी, कहने लगी कि मैंने ये कब कहा कि मैं यहाँ सारी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ, मेरा अपना घर मौजूद है, मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ बेटी के साथ ही सोऊँगी। ये कहकर मौसी रोने लगी और देवर की पत्नी भी यह देखकर रोने लगी। देवर को मौसी के इस एक्टिंग पे गुस्सा बहुत आया, लेकिन वह पी गया और एक नज़र अपनी पत्नी पे डाली। उसने आज रेड कलर का सूट पहना हुआ था जो कि उसके गोरे रंग पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। देवर ने एक ठंडी एहसास भरी और कहने लगा कि भाभी मुझे खाना ले आओ, और ये कहकर मेरे कमरे की तरफ चला गया। और मैं किचन में आई और सबका खाना उनके कमरों में दे दिया, जबकि मैं खुद देवर के साथ खाना खा लिया। शुक्र है उस रात कोई लड़ाई नहीं हुई थी। और जब मैं किचन में बर्तन धो के आई तो देवर के लिए दूध लेकर आ गई। मुझसे दूध लेते हुए देवर कहने लगा कि भाभी मुझे मौसी से ज़्यादा अपनी बीवी पे शक होने लगा है, वह हर वक्त अपनी मौसी से चिपकी रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही मुझे कहीं अपने कमरे में नहीं आने दे रही है और माँ को आगे कर देती है। देवर की ये बात सुनकर मैं चौंक गई, मेरा देवर इस बारे में बहुत ही गलत सोच रहा था। ये देखकर मैं डर गई, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और जरा सी गलती के कारण टूट सकता है। इसलिए मैंने देवर को समझाते हुए कहा कि नहीं, अनीता बहुत ही अच्छी लड़की है, उसके किरदार पे तुम शक मत करो, बस वह अपने मौसी से डरती है और तुम जल्दी से दूध पियो और सो जाओ। मेरी बात सुनकर देवर कहने लगा कि भाभी रोज़ रोज़ दूध पिलाए जा रही हो, इतनी सारी ताकत का मैं क्या करूँगा, अगर मौसी सो गई हो तो मेरी बीवी को चुपके से अपने कमरे में ले आओ। देवर का ये प्लान सुनकर मैं चौंक गई, अरे ना बाबा ना, अगर तुम्हारी बीवी मेरे कमरे में आ गई तो मैं कहाँ सोऊंगी। ये कहकर मेरा देवर कहने लगा कि तुम्हारा पति घर में नहीं है, तुम मौसी के साथ जाकर सो जाना। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उससे कहा कि चुप करके सो जाओ। देवर बेचारे ने बुरा सा मुँह बनाया और कहने लगा कि अच्छा भाभी, सुबह मौसी को किसी काम में फंसा देना ताकि मैं पत्नी से कुछ बात कर सकूं। प्लीज़ भाभी, इतना तो तुम कर ही सकती हो। देवर ने बड़ी मिन्नतें की तो मैं भी राजी हो गई और सुबह मेरी आँख थोड़ी देर से खुली और जब मैं किचन में गई तो मौसी अपने लिए चाय बना रही थी। इसीलिए मैंने बिना देर किए वापस अपने कमरे में गई और देवर को नींद से जगा कर कहा कि तुम्हारी बीवी कमरे में अकेली है। देवर ये सुनकर फौरन उठा और मौसी, तो उसने मेरी तरफ़ देखा तो मैंने किचन की तरफ इशारा किया, वह एकदम खुश हो गया और कहा कि भाभी प्लीज़ इसे एक घंटे तक आप किचन में उलझाए रखना, मैं आपकी देवरानी से दो दो हाथ करके आता हूँ। और ये कहकर देवर फौरन अपनी पत्नी के कमरे की तरफ भागा और मैं किचन में आ गई ताकि उसे रोक सकूं। लेकिन मौसी मुझे देखते ही कहने लगी कि मेहमान बेचारे खुद ही चाय बना रहे हैं और घर वाले अभी जाग रहे हैं। मौसी की बात सुनकर मेरा दिल कहा कि कुछ कह दूं,
कि अगर मेहमान समझती हो तो यहाँ से जाती क्यों नहीं हो, मगर ये सब मैं कह भी नहीं पाती क्योंकि उनका कहीं मूड खराब हो जाए। इसीलिए मैंने मौसी से ये कहा कि यहाँ पर बैठो और कभी मेरे साथ भी बात कर लिया करो, सारा दिन अपनी बेटी के कमरे में ही घुसे रहती हो। तब वह कहने लगी कि नहीं भाई, मुझे बात करने में इतना शौक नहीं है, यहाँ चाय बनाने आई थी, सर में दर्द था, ये तुम्हारा घर है और इसे तुम ही संभालो। ये सुनकर मैंने उनके रुकने की बहुत कोशिश की मगर वह चली गई और उसके जाते ही मैंने अपना सर पकड़ लिया क्योंकि देवर बेचारा इतने शौक से अपने कमरे में गया था लेकिन मौसी कबाब में हड्डी बनकर फिर से पहुंच गई। इसके जाते ही मैं नाश्ता बनाने लगी, तभी देवर किचन में आया और कहने लगा, भाभी अगर आज मौसी घर से नहीं गई तो मैं बता रहा हूँ आप बीच में मत पड़ना वरना आपकी भी शामत आ जाएगी। देवर इतने गुस्से में लग रहा था कि मैं कांप गई, पता नहीं है मौसी नाम की मुसीबत कब जाएंगी। देवर की शादी के दिन तो सोचा था कि देवर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा मगर यहाँ तो मसला ही उल्टा पड़ गया था। मैं उन दोनों को किचन से नाश्ता लेकर कमरे में आई तो वह दोनों माँ बेटी किसी बात पर हंस रही थी। ना जाने क्यों मेरा दिल किया कि मैं मौसी का गला ही दबा दूं। पता नहीं ये कैसी माँ है जो बेटी का घर बसाने के बजाय उजाड़ने पर तुली थी, और पता नहीं अपनी बेटी का घर एक मिनट के लिए भी वो ऐसे अकेला नहीं छोड़ती थी। मैंने मेज पे चाय रखी तो वह कहने लगी कि अरे बेटा चाय लेकर आई हो तो मुझे यहीं बिस्तर पर दे दो। मैं कमरे से जाने वाली थी कि मौसी ने नया आदेश जारी किया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, एक तो हमारी घर में कब्जा जना के बैठी थी और ऊपर से मुझे नौकरानी समझ रखा था, बेड पर ही बैठकर हुक्म चला रही थी। मैंने जल्दी से चाय को कप में डाला, तभी मुझे एक ख्याल आया जिसे सोचकर मैं बहुत ही खुश हो गई। मैं मौसी को चाय देने लगी तो जानबूझकर इसके कपड़ों पर गरम गरम चाय थोड़ी गिरा दी। ये देखकर मौसी जल्दी उठ खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ भागी। मैंने अच्छा मौका देखा तो फौरन देवर के बीवी के पास गई और उससे पूछा, जब तुम्हारा पति तुम्हारे कमरे में आया था तो तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई तो वह आँखें फाड़ कर देखने लगी जैसे कि मैंने उससे बहुत गलत बात पूछ दिया हो। वह कहने लगी कि भाभी जब वह कमरे में आए तब मैं बाथरूम में थी और जब मैं वॉशरूम से निकली तब मौसी आ चुकी थी, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। इसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि देवर इतने गुस्से में क्यों था। मुझे इस पर गुस्सा आने लगा और मैंने कहा कि तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि तुमने जिसके साथ शादी की है इसका हक अदा करने के बजाय अपने माँ के साथ रह रही हो। ये सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी कि भाभी इसमें मेरा क्या कसूर है, वह मेरी मौसी है लेकिन वो मुझे माँ बन के पाला है और मैं कैसे उन्हें कह दूँ कि अब मेरी शादी हो गई है, आप मेरे घर से निकल जाओ। उसका रोना देख के मैं नरम पड़ गई थी, इस बेचारी का भी कसूर नहीं था, सारे फसाद का जड़ मौसी ही थी, इसे ही खात्मा करना पड़ेगा। मौसी अभी बाथरूम से नहीं निकली थी इसलिए मैंने देवर के बीवी से कहा कि तुम्हारा पति गुस्से का बहुत तेज है और आज तुम्हारी मौसी को जान से मारने की धमकी दे गया है, इसीलिए अगर तुम मौसी को बचाना चाहती हो तो मेरी बात मान लो। मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गई और कहा, कौन सी बात? मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें रात को नींद की गोली दे दूंगी, वह तुम मौसी को घोल कर पिला देना, वह सो जाएंगी और तुम दोनों मेरे कमरे में सो जाना। इस वक्त तक मौसी बाथरूम से निकल आई इसलिए वह जवाब नहीं दे पाई, मगर मैंने सोचा कि अभी रात में बहुत वक्त है, इसे सोने देती हूँ फिर बाद में पूछ लूँगी। लेकिन उसके बाद से मौसी एक मिनट के लिए भी उसके पास से नहीं हटी और शाम हो गई और मुझे पता था कि देवर घर आता ही होगा, इसलिए मुझे देवर को आने से पहले ही मौसी का बंदोबस्त करना होगा। मैंने खाना बना लिया था इसलिए चुपके से एक प्लेट में पेट खराब करने वाली गोली डाल दी थी और खाना लेकर कमरे में आ गई। मुझे देखकर मौसी कहने लगी कि शुक्र है तुम जल्दी खाना ले आई हो, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने जानबूझकर मौसी के सामने वही प्लेट रखी और वहीं बैठी रही ताकि मौसी प्लेट बदल ना सके, लेकिन उन दोनों माँ बेटी को मेरे प्लान का पता नहीं चला।
और अब मैं बर्तन लेकर किचन में आ गई और अपने देवर का इंतजार करने लगी। लेकिन उससे पहले ही गोली ने अपना काम शुरू कर दिया था। तभी तो मौसी मदद के लिए चिल्लाने लगी और दर्द से चिल्लाने लगी। मैंने कमरे में आकर वजह पूछी तो आकर कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। मैंने फौरन डॉक्टर को कॉल करके बता दिया था और सब कुछ समझा भी दिया था कि घर जाके क्या करना है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आया और इसने आते ही प्लान के मुताबिक मौसी को नींद का इंजेक्शन दिया और देवर की पत्नी से कहा कि उसे सारी रात आराम करने दें, और डॉक्टर ये कहकर चला गया। मैंने देवर की बीवी से कहा, चलो मौसी को आराम करने दो, मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। और मैं इसी बहाने से उसे अपने कमरे में ले गई और तभी मेरा देवर आ गया। मैंने अपने देवर को सारी बातें बता दी। ये सुनकर मेरे देवर को हंसी खिल गई और मैंने कहा कि तुम जाकर अपनी पत्नी के साथ बैठो, मैं तुम्हारा खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा कि खाना रहने दो भाभी, कहीं इस चक्कर में मेरा मौसी ना उठ जाए, तुम बस मेरी कमरे में दूध भेजवा दो। ये कहकर देवर कमरे में चला गया और मैं इस रात मौसी के साथ बेड पर सो गई, जबकि देवर और बीवी को अपना कमरा दे दिया और उन दोनों को दूध पिलाकर सुला दिया। और सुबह हुई तो मौसी चकराती सर के साथ उठी और बोली कि कमबख्त किसकी नज़र लग गई मुझे, और वाशरूम में चली गई। मगर तब मैंने देवर की बीवी को जगा दिया था, वह मौसी के पास आ गई और मौसी को उस दिन पता नहीं चल पाया कि हमने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेवकूफ़ बनाया था, और देवर की पत्नी ने भी ये बताने नहीं चाहा। इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह बेचारी मजबूर थी। और जब मैं किचन में नाश्ता बनाने गई तो देवर मेरे पीछे आ गया। वह बहुत खुश था और कहने लगा कि भाभी तुमने मेरा दिल जीत लिया है, और उसने मेरी शुक्रिया अदा किया और उसकी खुशी देखकर मैं खुश हो गई। और अगली रात भी हमने मौसी के साथ वही किया तो उन्हें शक होने लगा कि रोज़ रात को उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। ये देखकर वह सब समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। मगर उसको अपनी बेटी के खिले खिले चेहरे पर नज़र डाली तो उसे अपने गलती का एहसास हुआ, और अगले दिन खुद ही उसने कहा, देवर से बोला कि बेटा मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। देवर ने सुना ही था तो मौसी से कहने लगा कि जी मौसी, और ये कहकर उसे गले लगा लिया और उसी शाम उनको घर से विदा कर दिया और मौसी अपने घर चली गई। और इस तरह से देवर और देवरानी एक दूसरे के साथ हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।